हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचएससी व्लॉग्स। आज हम जानेंगे 10 गोल्डन सेफ्टी रूल्स के बारे में, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए तथा टूलबॉक्स स्टाफ मीटिंग में वर्कर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, जो कि वर्कप्लेस पर होने वाले इंसिडेंट्स को रोकने में काफ़ी मदद करता है। तो आइए हम देखते हैं वो कौन से 10 गोल्डन सेफ्टी रूल्स हैं। तो इसमें सबसे पहला रूल्स है यूज पीपीज करेक्टली, जिसका मतलब होता है कि हमें पीपी को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। आगे दूसरा गोल्डन सेफ्टी रूल है सिक्योर लेनयार्ड्स एट हाइट, जिसका मतलब है कि हम ऊंचाई पर जब काम करते हैं तो उस दौरान सेफ्टी बेल्ट के हुक को ऊंचाई पर फंसाना चाहिए, ताकि किसी कारणवश आदमी गिरता है तो उसको लगने वाले चोट या शॉक को कम करने में मदद करता है। तीसरा रूल है ऑब्टेन अ परमिट बिफोर वर्क, जिसका मतलब है कि हमें किसी भी काम को करने से पहले वर्क परमिट लेना चाहिए। अगला तथा चौथा रूल से आस्क फॉर अप्रूवल टू एंटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इसका मतलब होता है कि किसी भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर करने से पहले हमें अप्रूवल लेना चाहिए। आगे और पांचवे रूल्स की बात करें तो वो है यूज सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विथ एडवांस परमिशन, जिसका मतलब होता है कि हमें सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए तथा इसकी एडवांस में अनुमति या परमिशन लेना चाहिए। द नेक्स्ट रूल इज वेरीफाई ऑल पैसेंजर्स शैल यूज सीट बेल्ट, इसका मतलब होता है कि हमें यात्रा के दौरान वेरीफाई करना चाहिए कि वाहन में बैठे सारे यात्री सीट बेल्ट का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हैं। अगला और सातवां रूल है आस्क फॉर अप्रूवल टू रिमूव सेफ्टी डिवाइस, जिसका मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के सेफ्टी डिवाइस को रिमूव करने से पहले अप्रूवल लेना चाहिए, जैसे कि बैरिकेशन, सेफ्टी नेट, लिमिट स्विच। इस प्रकार के सेफ्टी डिवाइस को रिमूव करने से पहले हमें अप्रूवल लेना चाहिए, जो कि इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है। द नेक्स्ट रूल इज बैरिकेट वाइल वर्किंग अंडर लोड और ओवरहेड वर्क, जिसका मतलब होता है कि अगर हम किसी लोड को उठाने का काम कर रहे हैं या फिर हम किसी ओवरहेड काम करने जा रहे हैं तो हमें बैरिकेट करना जरूरी है। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो वो है अटेंड इमरजेंसी ड्रिल, जिसका मतलब होता है कि हमें इमरजेंसी ड्रिल या मॉक ड्रिल को अटेंड करना चाहिए, ताकि हमें इमरजेंसी प्रोसीजर के बारे में पता चल सके। द लास्ट एंड 10th पॉइंट इज रिपोर्ट ऑल इंसिडेंट्स, जिसका मतलब होता है कि हमें सारे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो नियर मिस हो या फिर एक्सीडेंट हो, सारे इंसिडेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेकर हम उस दुर्घटना को फ्यूचर में होने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 10 गोल्डन सेफ्टी रूल्स, जिसका इस्तेमाल कर हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट, फैक्ट्री या किसी प्रकार के वर्क प्लेस पर काम करते समय इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम बहुत हद तक दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 सेफ्टी गोल्डन रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ होगा। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।